नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्स शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया के तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का अंक शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है दोस्तों यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 1995 से। इसका उद्देश्य दोस्तों दुनिया भर के पुस्तकों, लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तकालयों के योगदान को चिन्हित करना। यूनेस्को क्या है दोस्तों? इस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में, स्थापना हुई थी वर्ष 1946 में, और वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी बनाया गया था मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर को इस बार पुस्तक राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने जियो में, रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, फेसबुक, गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी की कंपनी है जियो, इसमें 9.99% हिस्सेदारी की है फेसबुक ने, अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक का हेडक्वार्टर दोस्तों कैलिफोर्निया, यूएसए। गूगल, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया और यूएसए, और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचई, भारतीय मूल के हैं। अमेजन के जेफ बेजोस और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ये भी भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 140, 142, 145 और 151। तो दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, एक गैर सरकारी संगठन है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, यह एक गैर सरकारी संगठन है जो कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, और कब से जारी की जा रही है दोस्तों, वर्ष 2002 से, और हाल ही में 2020 में यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कुल 180 देश शामिल थे, 180 में से भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि पिछले वर्ष भारत को इसमें 140वां स्थान प्राप्त हुआ था, भारत 2 अंक नीचे गिरकर 142वें स्थान में रहा। टोटल देश में 180, पहला स्थान प्राप्त हुआ है यूरोपीय देश नॉर्वे को, और लगातार चौथी बार नॉर्वे ने प्रथम स्थान हासिल किया। दोस्तों इसमें 0 से लेकर 10 तक अंक दिए जाते हैं इस सूचकांक में, यह विभिन्न देशों के मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है यह सूचकांक। सबसे आखिरी स्थान पाया है 180वें नॉर्थ कोरिया ने, 145वां स्थान प्राप्त हुआ है पाकिस्तान को, और 151वां स्थान प्राप्त हुआ है बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने किस भारतीय खिलाड़ी को राजदूत नियुक्त किया? ऑप्शन दिए गए हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद और प्रकाश पादुकोण। हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, आई एम बैडमिंटन नामक पहल चालू की है, जागरूकता अभियान है, इसके लिए भारतीय सेटलर पीवी सिंधु को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, राजदूत नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था पीवी सिंधु ने। इन्हें वर्ष 2016 में ही खेल का सर्वोच्च पुरस्कार खेल रत्न से भी नवाजा गया था पीवी सिंधु को। साइना नेहवाल जानी मानी भारतीय सेटलर हैं, पुलेला गोपीचंद जाने माने बैडमिंटन स्टार, इन्हें भारत की तरफ से अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीनों पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद। प्रकाश पादुकोण पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीसीएस के द्वारा किस देश में पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, जर्मनी, तुर्की, ब्राजील और इसराइल। हाल ही में टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने इसराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च किया है। कहां पे?
TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा समूह की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी है। वर्तमान में इसके CEO हैं एन चंद्रशेखरन। इसराइल पर नज़र डालते हैं दोस्तों। इसराइल की राजधानी है जेरूसलम। जेरूसलम यह ईसाई मुस्लिम तथा यहूदी का पौराणिक तीर्थस्थल है। जेरूसलम दोस्तों यहाँ की मुद्रा है सिकल। और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की लैंग्वेज है हिब्रू। और यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 23 टन दवाइयाँ भेजी हैं। ऑप्शन दिए गए दोस्तों बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और भूटान। हाल ही में नेपाल में भारत के राजदूत श्री विनय मोहन क्वात्रा पड़ोसी देश नेपाल को COVID-19 के मद्देनज़र 23 टन दवाइयाँ भेजी हैं, जिनमें मुख्य रूप से पैरासीटामोल तथा हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाइयाँ सौंपी गई हैं नेपाल को। भारत के जो नेपाल में राजदूत हैं एम्बेसडर हैं श्री विनय मोहन क्वात्रा के द्वारा। दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में क्या है दोस्तों SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन का हेड क्वार्टर है काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं श्री केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति यहाँ पे श्रीमती विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है COVID-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों के लिए COVID-19 योद्धा कल्याण योजना में इन्हें शामिल किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। इस पहल के तहत इन्हें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। मध्य प्रदेश चर्चा में क्यों रहा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं और उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश में सांची, खजुराहो तथा भीमबेटका जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों कुछ नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पर नज़र डालते हैं। कान्हा, पन्ना, पेच, सतपुड़ा, माधव जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों ट्राइबल स्टेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की प्रमुख जनजातियाँ गोंड, बैगा, भील, सहरिया, भारिया जैसी प्रमुख जनजातियों के निवास स्थल है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पारंपरिक खेल बुल फाइटिंग रेस को स्थगित कर दिया गया। ऑप्शन दिए गए हैं जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क। दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग रेस। और हाल ही में कोरोना वायरस के कारण COVID-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। दोस्तों कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा यूरोपीय देश स्पेन और यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण। स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। फ्रांस की राजधानी है दोस्तों पेरिस। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया गया है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और फेसबुक। हाल ही में COVID-19 के इलाज की संभावना तलाशने के लिए प्लाज्मा बॉट लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यह लोगों को प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्लाज्मा रक्त का एक घटक है जिसका उपयोग उपचार में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं श्री सत्या नडेला। ये भारतीय मूल के हैं सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान प्रारंभ किया। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। हाल ही में गुजरात ने मानसून के पहले राज्य के सभी जल निकायों को गहरा करने के संरक्षण के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना आरंभ की है गुजरात ने। गुजरात पर नज़र डालते हैं दोस्तों। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पे CM है श्री विजय रूपाणी। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में दोस्तों रानी की बाव, अहमदाबाद का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर, चांपानेर, पावागढ़ जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं गुजरात में। गुजरात में दोस्तों ब्लैकबक नेशनल पार्क,
रन ऑफ कच्छ तथा गिर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन के द्वारा लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूएनओडीसी और यूनेस्को। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ऑन ड्रग्स कंट्रोल यूएनओडीसी के द्वारा हाल ही में लॉकडाउन के दौरान भारत के छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक लॉकडाउन सीरीज लॉन्च की है। यह कोविड 19 और सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल गोल्स शांति और कानून के शासन पर तथा इसके प्रभाव पर आधारित होगा। ये लर्निंग सीरीज है, इसका उद्देश्य गलत सूचना, साइबर अपराध, लिंग आधारित हिंसा, भ्रष्टाचार, भेदभाव आदि मुद्दों पर जागरूकता के लिए ये अभियान लागू चलाया गया है। यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑन ऑफिस ऑन ड्रग्स कंट्रोल, यह यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कंट्रोल, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1997 में। यह संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम तथा मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए कार्य करती है। यूएनओडीसी इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वियना में। वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। यूनिसेफ इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आफ्टा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत की है। ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र। हाल ही में कोविड 19 के संक्रमित होने वाले तथा उच्च जोखिम को ट्रैक करने के लिए आफ्टा मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा, और इससे कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी भी दी जाएंगी इस हेल्पलाइन के माध्यम से। कर्नाटक राज्य ने शुरू की, कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बैंगलोर, सीएम है यहाँ पे श्री बीएस येदुरप्पा, गवर्नर है यहाँ पे श्री बाजू भाई बाला। कर्नाटक में दोस्तों पट्टालक्कल के स्मारक, हम्पी के अवशेष यूनेस्को की प्रसिद्ध साइट्स हैं। कर्नाटक में बानरहट्टा, नागरहोल तथा बांदीपुर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियोस अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।